वेलकम टू पैसा इन्वेस्टो। आज का ये वीडियो निफ्टी रिबैलेंसिंग पे है। निफ्टी का रिबैलेंस होने वाला है, रिकन्स्ट्रक्शन होने वाला है फ्रॉम 30 सितंबर 2020। मतलब निफ्टी में से कुछ स्टॉक्स आउट हो जाएंगे जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या जिनका मार्केट कैप बढ़ रहा है कंटिन्यूस, वो एंटर करेंगे। तो वो कौन से स्टॉक है जो निफ्टी 50 में एंटर होने वाले हैं, और आप उनका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। ओके, निफ्टी 50 का रिबैलेंसिंग प्रॉबेबल है कि 30 सितंबर 2020 को हो जाएगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के रिसेंट प्राइजिंग पे। तो निफ्टी 50 का जो रिसेंट प्राइजिंग चल रहा है वो अराउंड 11,100 से लेकर 11,200 और मे बी 11,075 के अराउंड चल रहा है। इसका कंप्लीट मार्केट कैप इन बिलियंस 86 बिलियंस का है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 47 बिलियंस का है। अब आप इसमें एक आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि मार्केट कैप ज़्यादा है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो इसका रीज़न होता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को मिलाकर बनता है। बेसिकली हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही फॉलो करते हैं इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ये कैपिटलाइजेशन बेस्ड होता है जो मार्केट में प्राइस चल रहा है स्टॉक का, या जितने नंबर ऑफ इक्विटीज मार्केट में लॉन्च है उसके अकॉर्डिंग। आगे हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। बट अभी निफ्टी 50 को क्यों रिबैलेंस किया जाता है? एक्चुअल देखिए, निफ्टी 50 जो है वो NSE एक्सचेंज का टॉप इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वही रह सकती हैं। अगर आप टॉप 50 कंपनीज में से आपका थोड़ा भी ऐसा हुआ कि 51 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निफ्टी 50 की 50 कंपनी है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको भैया निफ्टी 50 से जो 50 कंपनी है उसको बाहर होना पड़ेगा, और जो 51 कंपनी है जो कि अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूस मार्केट में इंक्रीज कर रही है उसको आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये भी है कि आप डेरिवेटिव्स में भी लिस्ट होना चाहिए। इफ़ कोई भी कंपनी यदि डेरिवेटिव्स में लिस्ट नहीं है तो वो निफ्टी 50 में इंक्लूड नहीं हो सकती, इवन आफ्टर उसका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी से ज़्यादा भी क्यों ना हो, ठीक है। सो मेनली ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको रिव्यू एवरी 6 मंथ में किया जाता है, बट जो न्यू लिस्टिंग कंपनीज होती हैं या जिनके ISNI चेंज होते हैं, या फिर उनका कोई कॉर्पोरेट एक्शन उनके ऊपर हुआ हुआ रहता है, फॉर सपोज स्पिन ऑफ, स्प्लिट या बोनस, तो उन कंपनीज का रिव्यू एवरी 3 मंथ्स में किया जाता है। बाकी जो नॉर्मल निफ्टी 50 की कंपनीज हैं उनका एवरी 6 मंथ में रिव्यू किया जाता है। नॉर्मली ये January 31 में रिव्यू होता है एंड 2 जुलाई 31 में रिव्यू होता है। तो जो अभी रिव्यू हुआ है वो July 31 रिव्यू हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी इन होगी और कौन सी कंपनी आउट होगी, तो इस पे हम बात करेंगे। एक बार एक छोटा सा फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एक्चुअल जितने नंबर ऑफ इक्विटीज़ मार्केट में लॉन्च हैं, जितने भी लिस्टेड हैं नंबर ऑफ इक्विटीज़ सेकेंडरी मार्केट में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो भी उनका प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में, वो जो वैल्यू आती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। बेसिक क्राइटेरिया इसका यही है कि इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए वो 1.5x होना चाहिए। किसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के? जो निफ्टी है, जो निफ्टी 50 के स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनके 1.5x होना चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 से आउट हो सकते हैं? तो ये ऐसे 3 स्टॉक हैं जिनको प्रोबेबली माना जा रहा है कि ये स्टॉक्स निफ्टी 50 से आउट हो जाएंगे, बिकॉज इनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंटिन्यू डाउन जाता जा रहा है। जी इंटरटेनमेंट, भारती इंफ्राटेल और गेल इंडिया, आप भी देख रहे होंगे कि लास्ट 2 to 3 मंथ से ये कंटिन्यूस फॉल में है। तो आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? आप चाहो तो जी इंटरटेनमेंट, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप सेल कर दीजिए,
लोअर लेवल्स पे आपको मिलता है तो आप फिर से परचेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया बेनिफिट लेने का। सेकंड तरीका ये हो गया कि आप चाहें तो फ्यूचर में इसको सेल कर सकते हैं फॉर शॉर्ट रन ऑफ टाइम। आज जितना भी आपको ये डाउनफॉल आता है, आपको 10-15% का डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो आप वो ले सकते हैं। लाइक ये हिस्ट्री है कि जो भी कंपनीज निफ्टी 50 से आउट होती हैं उनका अराउंड जो मार्केट कैप है वो 10-15% और फॉल हो जाता है ना। तो आप ऐसे बेनिफिट उठा सकते हो। सेकंड, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो इंक्लूड होने वाली हैं, तो जो 3 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में इंक्लूड हो सकती हैं वो ये हैं, SBI लाइफ इंश्योरेंस, डेविस लैब और डाबर इंडिया। तीनों ही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तीनों के प्रमोटर्स अच्छे हैं, तीनों में तीनों जो सेक्टर्स हैं वो भी अच्छे सेक्टर्स हैं। तो आप ये तीनों कंपनीज को बाइंग टारगेट पे रख सकते हैं। अगर आप इन तीनों कंपनियों को बाय करते हैं तो आपको 15-20% अप्रोक्स रिटर्न नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मिल सकता है। इवन शॉर्ट रन के लिए भी आप इन पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये निफ्टी 50 में इंक्लूड होती हैं तो ये स्टॉक, इनका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन और इंक्रीज होगा, बिकॉज टॉप 50 कंपनी है ना। और टॉप 50 कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। बट ये प्रोबेबल है, ये कंफर्म नहीं है कि यही कंपनी इंक्लूड होंगी। बिकॉज़ क्या होगा ना कि अगर मार्केट में कुछ भी अनसर्टन मोमेंट्स होते हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम ज़्यादा होता है तो कुछ हो सकता है कि इनमें से कोई क्राइटेरिया से बाहर हो जाए या ये कुछ क्राइटेरिया में वापस इन हो जाए। बट 99.99% चांसेस हैं कि यही कंपनीज जो हैं एक्सक्लूड होंगी, जो कि ये 3 कंपनी है, जी, भारती इंफ्राटेल एंड गेल, और ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जो इंक्लूड होंगी। तो जो इंक्लूड होने वाली कंपनी है आप प्लीज़ उन पे फोकस करें, ये अच्छा बाइंग रेंज आपको दे सकती हैं, अच्छा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। ओके, और बाकी आप बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि ये बुल मार्क का एक आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।